विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल जीवन मिशन पर किए गए शोध के परिणाम जारी किए हैं, जिसके तहत मिशन पूरा होने तक करीबन 4 लाख लोगों की जिंदगी बचाई जा सकेगी। मिशन को मिली एक और कामयाबी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने शोध में किया दावा, मिशन खत्म होने तक डायरिया से होने वाली तकरीबन 4 लाख मृत्यु को रोका जा सकेगा, 14 लाख डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर को रोका जा सकेगा। इतना ही नहीं, तकरीबन 101 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च बचाया जा सकेगा, 66.6 मिलियन घंटे का समय बचेगा। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन ने कहा कि विभाग बहुत तेजी से हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहा है। We conducted this study to evaluate the potential health impacts from the Jal Jeevan mission, and we found that if the Jal Jeevan mission achieve 100% coverage of safely managed drinking water, 400,000 diarrhea deaths could be averted. अगर हम इसी साल के बारे में बात करें, साल 2023 में, तो प्रति सेकंड कहीं ना कहीं भारतवर्ष में एक नए घर को हर सेकंड एक जल कनेक्शन जेजेएम से प्राप्त हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन को जोड़ दें तो स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की कमी से होने वाली मौतों के आंकड़े को 70% तक रोका जा सकता है, जो भारत जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए कामयाबी की बात है। रिपोर्ट मानती है कि जल जीवन मिशन से महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत ने जितने बड़े क्षेत्र को कवर किया है वह जर्मनी और यूके की जनसंख्या से ज्यादा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने माना कि वो दिन दूर नहीं जब देश में डायरिया से मौतें गुजरे जमाने की बातें हो जाएंगी। हर सेकंड एक नया वाटर कनेक्शन मिलता है, एवरी सेकंड, और 2 घंटे में ही अगर हम हिसाब लगाएं सीधा तो 7,000 से ज्यादा कनेक्शन मिलेंगे, और इसका मतलब है कि 30,000 व्यक्ति, 7,000 हाउसहोल्ड मतलब 30,000 व्यक्ति उस कनेक्शन के बाद आज उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है हर 2 घंटे में। गौरतलब है कि तकरीबन 19 करोड़ 45 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने के मकसद के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। मिशन के तहत अब तक तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है, जबकि 62.890 एरिया को कवर किया जा चुका है, और ये कामयाबी का सफर अभी भी जारी है जिसे दुनिया मानती है।